हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अगर हम फॉर्म व्यू में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से एक्सप्रेशन बिल्डर में जाकर के वो फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आज इसी के बारे में जानेंगे, तो चलिए एक्सेस को ओपन करते हैं। ये एक्सेस का 2021 है, आप 2007 पे भी काम इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं आपको एक्सेस 2021 में दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस है, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये सिनेरियो आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये नाम आ गया है और ये एक्सटेंशन है डेटाबेस की। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट ही नेम रहने देता हूं और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे व्यू पे जाके और यहाँ से डिजाइन व्यू पे जाना। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर जो भी नाम देंगे उसी नाम से ये टेबल बनती हुई नजर आएगी। जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट, तो ये टेबल प्रोडक्ट की बन जाएगी, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट टी लिख दिया तो प्रोडक्ट टी नाम से टेबल बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आईडी आ रहा है और यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट नेम, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट और अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं नेम, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट नेम। और इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे हम, आप अगर 2007 यूज करते होंगे तो वहां पर टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइस कर देंगे तो प्राइस आएगा तो वो करेंसी डेटा टाइप होगा, तो यहाँ से आप करेंसी चूज कर लीजिएगा। और इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आएगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी जो है हमें इसे डेसिमल में भी रखना है, तो यहाँ पर नंबर करेंगे तो केवल इंटीजर सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे जनरल लुकअप जो दिया गया है, इसके नीचे पहला जो है ये फील्ड साइज है और फील्ड साइज जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर हटा करके यहाँ पे डबल कर देना है। और डबल करते ही यहाँ पे ये डेसिमल भी सपोर्ट करने लगेगा। अब यहाँ पे टोटल आएगा तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल प्राइस करेंगे तो टोटल प्राइस यहाँ पे डेटा टाइप हमने नंबर ही रख दिया, कैलकुलेट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हालांकि सुविधा हमको यहाँ पर भी है कैलकुलेट करने की, लेकिन करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स की बात आएगी, तो यहाँ पे टैक्स कर दिया हमने और टैक्स कितना परसेंट लगा, तो यहाँ नंबर कर दिया है डेटा टाइप इसका। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसे बना देंगे डबल, क्या बना देंगे, डबल बना देंगे। और जैसे ही हम डबल बनाते हैं ना, तो यहां पर आप देखेंगे ये नंबर डेटा टाइप है हमारा, और फॉर्मेट इसका रख देना है क्या, परसेंट, क्या रखेंगे, परसेंट रखेंगे। तो यहां से इसका फॉर्मेट आप परसेंट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी ये डबल जरूर बना लीजिएगा। और अब यहां पर हमको टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये कर दिया टैक्स, AMOUNT टैक्स अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, और ये फॉर्म व्यू में हम करके देखेंगे, ठीक है। और इसको भी हम डबल बना लेते हैं, ये डबल हो गया। और अब व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां से यस करेंगे तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। अब हमको यहां पर प्रोडक्ट का नेम डालना होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम क्या डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, OIL, ठीक है। और यहां पे इसकी प्राइस आएगी, तो प्राइस मान लीजिए है 150 रुपए, ठीक है। क्वांटिटी हमने कर दिया 10 लीटर या 10 किलो जो भी है। और यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा है और इसके अलावा ना तो टैक्स अमाउंट आ रहा है और टैक्स तो हमें खुद से लिखना है, तो मान लीजिए हमने टैक्स खुद से लिख दिया यहाँ पर 5%, तो ये 5% हो गया, देख सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो है प्रोडक्ट, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, तो जो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट है वो है रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर POWDER, तो ये हो गया रेड चिली पाउडर। इसकी प्राइस है 100 रुपए, कितनी है 100 रुपए। और 50 पैकेट की बात करेंगे और यहाँ पर भी जो है टैक्स आएगा, तो यहाँ पे टैक्स 5% ही रखेंगे। फिर अगले प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सोप कर देते हैं, लक्स सोप, सोप SOAP, ठीक है। तो साबुन है तो यहाँ पर 30 रुपए का एक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 100 अगर हमने मंगा लिया तो उसकी प्राइस आनी चाहिए और इस पर जो टैक्स है मान लीजिए 10% लग गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हम जो है यहाँ पे दे देते हैं सर्फ एक्सल, ठीक है। और सर्फ एक्सल देकर के यहाँ पर जो है इसकी प्राइस डाल देंगे, तो इसकी प्राइस है 170 रुपए किलो के हिसाब से है ये, और यहाँ पे 60 किलो की बात हो रही है और यहाँ पे वही टैक्स आएगा, तो यहाँ पे हम 12% जानबूझ के रख देते हैं 12%, ठीक है, ताकि अलग अलग कैलकुलेट होता वो ये हमें नजर आए। अब हमको इस टेबल को ऑफ करना है सेव करके, ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट TT नाम है इसका, और यहाँ से क्रिएट पे जाके और देन यहाँ से ब्लैंक फॉर्म हम चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्लैंक फॉर्म ही ले लेते हैं और यहाँ से जाएंगे कहाँ, डिजाइन व्यू में, और डिजाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पे शो टेबल्स नजर आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। और ये तमाम डिटेल्स जैसे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ पे आया, और क्वांटिटी यहाँ पे आया, क्वांटिटी के बाद टोटल यहाँ पे आया,
टोटल के बाद टैक्स यहाँ पे आया और फिर ये टैक्स अमाउंट। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला काम तो हमें टोटल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर्टी शीट नजर आएगी। कैसे नजर आएगी, यहाँ पे जब जाएंगे फॉर्म डिजाइन पर तो ये प्रॉपर्टी शीट नजर आएगा, तो क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे फॉर्म चूज रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्म चूज रखा हमने और यहाँ पे जाएंगे तो टोटल पे क्लिक करेंगे और टोटल पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल सोर्स नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर थ्री डॉट्स नजर आएंगे तो इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करिएगा। जैसे ही थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये टोटल दिया गया है, तो टोटल यहाँ से हम क्या करेंगे इसको हटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से लिखना है आपको प्राइस PRIC प्राइस मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे देखिए जो दिया गया QTY क्वांटिटी। तो अब जब करेंगे तो ये हो जाना चाहिए, तो ये हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया है। अब टैक्स की बात करते हैं, तो ये टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो यहाँ पे जाएंगे टोटल पर सॉरी टैक्स अमाउंट पे जाएंगे और टैक्स अमाउंट पे जाके ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आ चुके हैं और टैक्स अमाउंट के आगे एक कॉलन हमें लगाना है। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल TOTAL टोटल हो गया मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे टैक्स, टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टैक्स हो गया हमारा, ऑलरेडी टैक्स आपको याद होगा कि हमने परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए ये अभी भी ये एक्सप्रेशन बिल्डर वाला दिक्कत है, थ्री डॉट पे क्लिक किया। अब ये टैक्स अमाउंट हटा देते हैं हम, सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पे देंगे हम टोटल TOTAL टोटल मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे टैक्स कर देंगे TAX, यही टैक्स नीचे ही दिया हुआ है ये देखिए यही टैक्स है, तो ये टैक्स हम यहाँ पे दे करके और अब ओके करेंगे, क्योंकि टैक्स वाले फील्ड की सेटिंग ऑलरेडी मैंने कर रखी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टैक्स वाले में क्या है कि इसे परसेंटेज बना दिया गया, तो आप केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी आपका सॉफ्टवेयर बनता हुआ नजर आएगा। तो अब बारी है इसको चलाने की, यानी ये हमारा कंप्लीट। तो अभी हम क्या करते हैं इसको थोड़ा डार्क बना लेते हैं, या होम टैब पे जाएंगे इसको बोल्ड बनाएंगे और बोल्ड बनाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको डार्क बनाएंगे यानी ब्लैक में रखेंगे ताकि ये क्लियर दिखाई दे, साफ दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद हमें फॉर्म पे जाना है और पॉपअप को यस करना, यहाँ से यस कर देंगे पॉपअप को तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा और अब यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, जबकि आपने देखा कि हमने कोई भी कैलकुलेशन जो है टेबल में नहीं किया। आप देखिए यहाँ पर आए इस पर क्लिक किया तो देखिए ये 5% के हिसाब से आ रहा है। अब देखिए अगला वाला, तो अगला वाला देखिए यहाँ पर ये 10% के हिसाब से आ रहा है, 3000 का 10% जो है 300 रुपए हुए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये 12% के हिसाब से आ रहा है, तो जो जिस तरीके से देंगे वो उस हिसाब से आता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करना है, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सब फॉर्म में एक रिक्वेस्ट आई थी तो सब फॉर्म पे भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।